आपका नाम? मेरा नाम है राजश्री। मूवी की बात करें, क्या कहना चाहें, किस तरह की मूवी है, आपके किरदार को लेकर? ये काफ़ी रियलिस्टिक फिल्म है और मैंने इसमें एक छोटे शहर की लड़की का काम किया है, उसका नाम है गौरी और उसकी एक जर्नी है इस फिल्म में जो आप देख लेंगे। पूरे पोस्टर में आप ही के ऊपर थोड़ा हाईलाइट किया गया है, क्या है पूरी स्टोरी आपके ऊपर घूमती है? मेरे ख्याल से एक फिल्म में सारे किरदार इम्पोर्टेंट होते हैं और जैसे होता है ना गूंथना, अगर एक दूसरे में अगर सारे किरदार गूंथते हैं तभी फिल्म बनती है। तो ये ऐसा नहीं मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरे ऊपर ही कहानी है। हाँ, एक उस लड़की की जर्नी तो है पर सारे किरदार इसमें इम्पोर्टेंट है। आपके साथ में कौन कौन किरदार हैं, बात करो जो आर्टिस्ट की अगर बात करें? मेरे साथ एक नॉर्मली ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे माँ बाप है, भाई है, बहन है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है या दोस्त है, ये सारे किरदार इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे ही गौरी के कहानी में उसके माँ बाप है, उसमें उसकी बहन है एक छोटी और फिर उसे किसी से प्यार हो जाता है, वो एक किरदार उसके ज़िंदगी में आता है। उसके बाद कैसी उसकी जर्नी एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाती है, वहाँ पर कैसे लोग मिलते हैं उसे, तो उसकी कहानी नहीं मैं ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। काफ़ी सारे किरदार हैं मेरे साथ काम करने के लिए, जैसे लक्ष्मण दादा ने कैमरा किया है और एक मिनट हाँ सर बताइए जी। तो मेरे साथ इस फिल्म में ब्रजेश है और चैतन्य है जो टीवी टेलीविजन में काफ़ी काम कर चुके हैं और बस, और बाकी किरदार हैं जो मेरे माँ और बाबा जी का जो किरदार निभाया था वो मनाली से ही है, क्योंकि वो पहाड़न हमें दिखाना था तो हमें वहीं से वो मिले। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए जी। चैतन्य जी काफी मजे हुए आर्टिस्ट हैं, काफी बड़ा टीवी शो कर चुके हैं, पॉपुलैरिटी वाला जो आपकी काफी हिट रही है, कैसी केमिस्ट्री आपके उनके साथ? चैतन्य काफी डेडिकेटेड एक्टर है, मैंने टेलीविजन में खुद इतना देख नहीं पाती हूँ पर डेफिनेटली जिस हिसाब से मैंने उनके साथ काम किया, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव एक्टर एंड आई एम श्योर ही विल डू वंडर्स। इससे पहले कितनी फिल्में दे चुके हैं आप? शुरुआत क्या है? सॉरी, कितनी फिल्में अभी तक दे चुके हैं? दे चुके मतलब कर चुकी हूँ। हाँ, मैंने दो तीन फिल्में की है पहले भी और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ। थैंक यू सो मच। इसलिए